हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। झारखंड एग्जाम की बात होगी यही आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन बात मैं शुरू करूंगी ओलंपिक्स से। ओलंपिक्स में अभी तक गोल्ड मेडल नहीं मिला है इंडिया को, और क्या लिंक है ओलंपिक्स और आपके सीजीएल एग्जाम का? बहुत बड़ा लिंक है। मैं मानती हूँ कि अगर झारखंड गवर्नमेंट को ओलंपिक्स में भेज दिया जाए तो एक गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा, क्योंकि उनसे अच्छा गेम कोई नहीं खेल सकता। क्या गेम खेला है उन्होंने, एग्जाम की डेट इस तरीके से दी है कि हाफ ऑफ द एस्पायरेंट्स एग्जाम ही ना दे पाए। इसका प्रोटेस्ट तो बनता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ते रहो, आपका पढ़ना ही आपके काम आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपके पास अपना क्लोन है तो आप इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो, नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल एटलीस्ट फॉर दोज जो कि बाकी और एग्जाम्स के लिए भी अपियर हो रहे हैं, यूपीएससी के लिए या किसी भी और एग्जाम के लिए, विच आर फॉलिंग ऑन दी सेम डेट। तो इस बार तो प्रोटेस्ट जरूरी है। एग्जाम्स की ये डेट बच्चे के लिए एक झुनझुना या एक लॉलीपॉप से ज्यादा नहीं है, और ये डेट्स जरूर चेंज होनी चाहिए, एंड देर शुड बी अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज डेट्स।